आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी कभी मीठा बोलने वाला आपका शत्रु हो सकता है और कड़वा बोलने वाला आपका मित्र। ठीक उसी प्रकार जैसे मीठा सोम रस हानिकारक होता है और कड़वी औषधि लाभदायक, इसीलिए किसी को भी उसके शब्दों से नहीं अपितु कर्मों से पहचानिए कि वह आपका शत्रु है अथवा मित्र। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को प्राप्त मानव शरीर स्वयं के सुख भोगने के लिए नहीं है, अपितु अन्य को सेवा एवं सुख प्रदान करने के लिए प्राप्त है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विवाह ईश्वर के बनाए गए सबसे अनोखा बंधन है। विवाह सिर्फ दो आत्माओं या दो लोगों का मेल नहीं है, ये दो परिवारों का भी मेल है। विवाह में सिर्फ एक दूसरे को अपनाना पर्याप्त नहीं है, एक दूसरे के परिवार को अपनाना भी अनिवार्य है और एक दूसरे के परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाना अनिवार्य है। जब पति पत्नी मिलकर प्रेम भाव से परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्य का निर्वाह करेंगे तो ईश्वर के आशीर्वाद से उनके प्रेम और भी गहरी होंगी और उनका दाम्पत्य सुख से भर जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या केवल दुखी परीक्षा का समय होता है, सुख नहीं? वास्तव में सुख भी एक परीक्षा ही है। ऐसी परीक्षा जिसमें यह देखा जाता है कि आप सुख के समय में अहंकारी बन जाते हैं या विनयशील रहते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं या गलत मार्ग पर, धर्म का साथ देते हैं या अधर्म का।